हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रिंकू। वेलकम टू स्टडी इनसाइडर। तो अज आप इस वीडियो दे विच गल करांगे मास्टर केडर दे विच जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है उसके ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करांगे जो लास्ट ईयर मास्टर केडर दे विच आए सी। उन्हां ही क्वेश्चन इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे, देखांगे कि उस जो एग्जाम का लेवल है किस हद का रहिंदा है, किस तरह के उस दे विच क्वेश्चन आउंदे ने ते किस तरह का उन्हां दा पैटर्न रहिंदा है ते किस किस तरह के जिस तरह भी उस दे विच क्वेश्चन आउणगे सारिआं नूं ही देखांगे। सारे ही जो पूरा जो जो पेपर है उसनों डिस्कस करांगे। अज आपां सिर्फ उन्ना ही देखांगे कि उस दे विच जो लेवल है किस तरह का रहिंदा है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करांगे जिन्हें अपने तो हो पाए। तो वीडियो ने तुसी शुरू तो लैके लास्ट तक जरूर देखियो, ये थोड़े जो वीडियो है थोड़े लिए बहुत ही हैल्पफुल हो सकती है। तो जे थोड़ा ये वीडियो चंगी लगी हो इसनों तुसी लाइक जरूर करो, तो कमेंट करके जरूर दस्यो थोड़ा किदा दी लगी। तो तुसी इस चैनल में भी सबसक्राइब करो, थोड़ी सपोर्ट की लड़ है, इस चैनल में जरूर दबके सबसक्राइब करो तो इसका बैल आइकन भी क्लिक करो ताकि थोड़ा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आप इस वीडियो शुरू करने तो पहले थोड़ी दस दिए कि जो मास्टर केडर का एग्जाम है बहुत जल्दी होने वाला है, बट इसकी फाइनल अनाउंसमेंट तो हजे तक नहीं हुई। बट हाँ, ये फिक्स है कि यह इसी साल जो एग्जाम होएगा तो इस दे नाल नाल जो पी एस टेट की जो एग्जाम है वह भी होने वाला है। कि कुछ जो जिस तरह के जिसकी नोटिफिकेशन आई सी कि 3 महीने के विच एग्जाम हो सकता है, जो पी एस टेट है तुसी उसकी भी जो तैयारी तुसी दब के कर सकते हो, तो नाल नाल तुसी मास्टर केडर की भी तैयारी जो उस इसकी तुसी शुरू कर सकते हो। क्योंकि ये जो एग्जाम है इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लस वन का भी सिलेबस आता है, इस दे विच प्लस टू का भी आता है, तो नाल नाल ग्रेजुएशन के लेवल का भी जो सिलेबस आता है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन ने जिस तरह के मैं जिस उन्होंने मैं ट्राई कर रहा है, इस दे विच देखा गया कि ये जिन्हें भी क्वेश्चन ने सारे ही ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे ने। प्लस वन प्लस टू का बहुत ही घट सिलेबस होंगे, ग्रेजुएशन लेवल का जो कुछ टॉपिक होंगे ने, जो कुछ फॉर्मूले होंगे ने, जो कंसैप्ट होंगे ने, इफेक्ट होंगे ने, जो काफ़ी हायर लेवल तक के होंगे ने, तो अपन सारे ही पढ़ने पैणगे। काफ़ी सारी बुक्स ने, बुक्स बारे भी अपनी नैक्सट वीडियो के आप इन्होंने देखेंगे किड़िया बुक्स आप इस पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो के देखेंगे कि जिन्हें भी यह सारे क्वेश्चन ने किस लेवल के होंगे ने, इन्हों का ठीक है किस तरह का पैटर्न होंगे, आप इन्हों किस तरह इन्हों का सोल्यूशन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कि टाइम लग जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई ज़्यादा ही इन्हों का हाई लेवल भी नहीं होंगे, बट हाँ इन्ना ज़्यादा सिंपल भी नहीं होंगे जिस तरह के पी एस टेट का एग्जाम से। ठीक है, एक तरह का ही मास्टर केडर है, तो उस तरह इसका लेवल भी रहेगा, पी एस टेट तो थोड़ा हायर लेवल है इसका। तो करके इसकी जो प्रैपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही करनी पेगी। तो तुम इस चैनल के उत्ते वीडियोज़ में देख सकते हो, प्ले लिस्ट के जाके भी देख सकते हो, तो पी एस टेट के लिए भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो मास्टर केडर के लिए भी प्ले लिस्ट के अलग तो। ठीक है, जो प्ले लिस्ट बनाई गई है मास्टर केडर के लिए उसके जाके मैथ और साइंस वीडियोज़ में देख सकते हो। आने वाले समय के होर भी बहुत सारिया वीडियोज़ अगर मिलनगियाँ। मास्टर केडर का जो पूरा एग्जाम है उसनों भी आप सोल्यूशन के सारा ही सॉल्व करेंगे, तो नाल नाल इसका जो मैथ का उसनों भी सॉल्व करेंगे, तो केमिस्ट्री के जिन्हें भी सारे जो क्वेश्चन होंगे उन्होंने भी आप सॉल्व करेंगे, तो नाल नाल थोनों बायो और बॉटनी मतलब जोलॉजी और बॉटनी दोनों के ही जो एग्जाम ने थोनों टैलीग्राम चैनल देते भी मिल जाएंगे, तो इतने यूट्यूब के उत्ते भी मिल जाएंगे। तुम टैलीग्राम चैनल के उत्ते जाके भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज तुम इतने वीडियो के भी देख सकते हो, तो इतने सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो थोनों जो लास्ट ईयर एग्जाम है उसका जो पेपर है 35 BSC जो एग्जाम से मास्टर केडर का, वह भी थोड़ा इतने यूट्यूब के उत्ते मिल जाएगा। पूरा जो एग्जाम हैगा जो पेपर से वो सारा ही थोड़ा PDF के भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अज तो अपनी वीडियो शुरू कर दें, वीडियो शुरू तो लेकर लास्ट तक जरूर देखियो, तो चैनल में भी सबसक्राइब करो, तो इसमें वीडियो में जरूर दब के शेयर करो ताकि होर जो इसकी प्रैपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकन। तो अज की अपनी वीडियो शुरू कर दें। हाँ जी, तो अज की अपनी वीडियो शुरू कर दें, जिस दे विच आपां कुछ क्वेश्चन डिस्कस करांगे फिजिक्स के होणगे जो मास्टर केडर के लेवल के होणगे ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये जो जो आप हाँ जी, तो अज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जिस दे विच आपां मास्टर केडर का जो लास्ट ईयर का जो पेपर सीगा जिसनों 35 BSC के नाम भी जाने जाता है, उसकी कुछ क्वेश्चन आप डिस्कस करांगे। देखते हैं किन्ने क्वेश्चन आप इस वीडियो के डिस्कस कर सकते हैं, मैक्सिमम ट्राई करांगे, देखते हैं कि किस तरह के इस दे विच जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का इन्हों का लेवल रहिंदा, जो क्वेश्चन होंगे ने मास्टर केडर के। तो इस तरह ही तुहानू बहुत ज़्यादा हैल्प करांगे आने वाले मास्टर केडर के विच जो होने वाला है पंजाब दे विच, जिसकी तुम सारे तैयारी कर रहे हो। उम्मीद करता थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो, जे थोड़ी वीडियो चंगी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करो, कमेंट करके जरूर दसो थोड़ी किदां दी लगी, तो चैनल में भी सबसक्राइब करो तो इसका बैल आइकन भी क्लिक कर लियो। तो अज अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जिस दे विच आपां मास्टर केडर दे विच पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, जिसनों आपां टारगेट लेके चल रहे इस वीडियो दे विच। पहला क्वेश्चन अपना
फॉर ए ब्लू लाइट ए ट्रांसपेरेंट मटीरियल हैज़ ए रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तुहानू एक ब्लू लाइट दिती है, जिस एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल दिता है उस दे विच तुहानू रिलेटिव परमिटिविटी दे रहे ने 2.1। ठीक है, तुहानू रिलेटिव परमिटिविटी दे रहे ने, जिसनों आपां डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट भी कह दें, तो म्यू नाल इस नूं आपां रीप्रजेंट करते हैं। एंड एक रिलेटिव तुहानू परमेबिलिटी दिती है, जिसनों आपां ई नाल रिप्रजेंट करते हैं, तो वह तुहानू 1.0 इन्हां ने दिती है। उस तों बाद इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट ब्लू लाइट की जो स्पीड रहेगी वैक्यूम दे विच, वो सी दिती है थोनों इन्होंने। ठीक है, उस तो बाद तुसी ने फाइंड की करना, फेस वेलोसिटी फाइंड करनी है उसकी, तुसी इसकी फेस वेलोसिटी नू फाइंड करना है, जो ब्लू लाइट है इन अनबाउंडन मीडियम ऑफ अ मटीरियल। ठीक है, इस मटीरियल की तुसी ने फेस वेलोसिटी नू फाइंड करना है, जिसनों आपां बी पी दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तुहानू चार ऑप्शन दित्तियां ने, देखते आपां इन्हां दे विचों किहड़ी ऑप्शन जो राइट है। तो इस क्वेश्चन नू इस जो क्वेश्चन नू हल करन दे लई तुहानू चाहिए की है, तुहानू फेस वेलोसिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी दे विचों तुहानू रिलेशन है जो पता होना चाहिए। ठीक है, जो इस जिस तरह कि तुसी इमेज दे विच देख रहे होवोंगे, फेस वेलोसिटी नू इह बी पी नाल आपां रीप्रजेंट कर सकते हैं, इस तरह रिलेटिव परमिटिविटी नू आपां म्यू नाल, जिसनों आपां डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट कहने हैं, इस दे नाल आपां इस नू रीप्रजेंट करते हैं। इस तरह जो परमेबिलिटी हुंदी है उसनू आपां ई नाल रीप्रजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो इन्हां दे रिलेशन हुंदा, रिलेशन बिटवीन दैम की हुंदा, बी पी इज इक्वल टू सी अपॉन अंडरूट म्यू इन टू ई। जिस तरह कि तुसी देख रहे होवोगे, ये रिलेशन होंदा जो थोनू याद होना चाहिए इस क्वेश्चन नू, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कढ़न दे लई। ठीक है, बी पी इज इक्वल टू सी अपॉन अंडरूट म्यू डॉट ई। ठीक है, तो इस तरह तुसी इन्हां दी वैल्यू नू तुसी इत्थे फिल कर सकते हो, सी थोनू सी ही दिता है, क्योंकि इन्होंने वैक्यूम दे विच जो स्पीड ऑफ लाइट है सी ही दिती है, तो उसनू आपां सी भरांगे। उस तो बाद अंडरूट दे विच थोनू म्यू भी दिता है, ई भी दिता है, 2.1 इंटू मल्टीप्लाइड 1.0, तो कि आ जाएगा इसका आंसर सी अपॉन अंडरूट 2.1। तो जो इस राइट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, जिस तरह कि तुम देख सकते हो। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन जिसनों जिसका सोल्यूशन तुम कढ़ सकते हो, डी इस दी राइट ऑप्शन होगी। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन वाल चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है तुहानू नाल नाल पंजाबी दे विच भी दिते हुए ने। ठीक है, ये भी तुसी देख सकते हो, बहुत सिंपल जो क्वेश्चन सी, जस्ट एक तुहानू फार्मूला पता होना चाहिए सी फेस वेलोसिटी का। ठीक है, सी जो कि स्पीड ऑफ लाइट, म्यू मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो इन्हां दे तुहानू जो सिंबल होंदे आ, जो इन्हां दी एब्रीवेशन होंदी है, वह भी पता होनी चाहिए है। इस तरह अगे चलते आपां दूसरे क्वेश्चन ते, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इक्वेशन इज़ ए कॉन्सीक्वेंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तुहानू इत्थे की दिता है, जिसनों आपां डेल 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 वैक्टर क्रॉस एच वैक्टर दिता थोनू। ठीक है, करली डी वैक्टर अपॉन डी टी प्लस जे वैक्टर, मतलब थोनू यह एक एक क्वानटिटी दूसरी क्वानटिटी दे थोनू बराबर दिती है। तो तुसी जो नीचे थोड़े को चार ऑप्शन ने, इन्हां दे विचों केड़ी राइट ऑप्शन होएगी, अपने ये इसका जो फाइंड करना है, जो रिजल्ट की होएगा इस कॉन्सीक्वेंसिस का, मतलब जो थोनू दिता डेल वैक्टर क्रॉस एच वैक्टर किसी भी क्वानटिटी के इक्वल है, मान लो करली डी वैक्टर अपॉन करली टी प्लस जे वैक्टर के इक्वल थोनू दिता है, तो इन्हों का रिलेशन की होएगा जे तुसी इन्हों की, मतलब थोनू थले जो चार ऑप्शन दिती ने, पहलियां दो ही ऑप्शन जो राइट हो सकती ने, डिपेंड करता केड़ी राइट होगी, सी अते डी तो बिल्कुल भी राइट नहीं हो सकदियां, क्योंकि जे थोनू दो चीज़ा कोई भी इक्वल दित्तियां ने, उन्हां दी जां तां डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकती है जां क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकती है। ठीक है, बट आपां नूं पता है जे तुसी कोई भी थोनू दो क्वांटिटीआं इक्को जैसियां दित्तियां ने, मतलब वह इक्वल ने, तो उन्हां दी जो डॉट प्रोडक्ट हुंदी है वह इक्वल टू 1 हुंदी है, जो क्रॉस प्रोडक्ट हुंदी है वह इक्वल टू 0 हुंदी है। जिस तरह कि तुसी इमेज दे विच देख रहे होवोंगे, जिस तरह कि आपां जो यूनिट वैक्टर लें, ठीक है, जिसनों आप आई कैप जे कैप के कैप लें होंगे, ठीक है, वैक्टर जो वैक्टर वाले जो चैप्टर के होंगे, आई वैक्टर जो तो आप आई वैक्टर के नाल डॉट प्रोडक्ट लें, जे वैक्टर की जे नाल लें, के की के नाल लें, तो आप इसको इक्वल टू 1 लिखते हैं। मतलब की है, जो कोई भी दो डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, आई कैप सेम डायरेक्शन, तो जो इन्हों की डॉट प्रोडक्ट लें इक्वल टू 1 आती है, बट जो आप इन्हों की क्रॉस प्रोडक्ट लें वो इक्वल टू 0 होती है। इसी तरह जो कोई भी दो क्वानटिटियाँ इक्वल होंदिया ने, उन्हों की जो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, क्योंकि उन्हों की डायरेक्शन की हो जाएगी सेम होएगी, बट क्रॉस प्रोडक्ट आलवेज 90 एंगल से लगती है, एक की डायरेक्शन मान लो एक्स एक्सिस वाल हो, दूसरी की वाई एक्सिस वाल हो, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट इन द सेम डायरेक्शन होंगी, करके इन्हों की डॉट प्रोडक्ट
वन होंगी है, ठीक है। तो करके इतने अपना जो ऑप्शन आएगा राइट की आएगा, बी ऑप्शन राइट आएगा, ठीक है। डेल वैक्टर क्रॉस जो पूरा वैक्टर होएगा इक्वल टू दोनों की प्रोडक्ट किनी हो जाएगी, जीरो होएगी, बी जो बी इतनी ऑप्शन होएगी राइट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप अगे चलते हैं, अगे अपना जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी आप गल करते हैं। इन्होंने की क्या कहते एक्सैप्ट फॉर मास, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ म्यून, ठीक है, मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब जो थोड़ा म्यू ऑन होंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टियाँ किस दे नाल रिजेंबल कर दिया ने, पाई ऑन दे नाल कर दिया ने, इलेक्ट्रॉन दे नाल कर दिया ने, ठीक है, प्रोटोन दे नाल जा फोटोन दे नाल, ठीक है। तो ये अपना इतने क्वेश्चन है, कहिंदे प्रॉपर्टी ऑफ म्यू ऑन मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ, इन्हां दे विचों किहड़ा ऑप्शन सही होएगा, ये अपना इतने क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मस्ट केडर के लास्ट ईयर जो पेपर सीगा 35-82 का, ठीक है। तो उसके बेस से जो आप देखिए इसनों आप किस तरह हल कर सकते हैं, जिस तरह कि तुम इमेज देख रहे होवोगे, ठीक है। इन दिया जो फैमिली ऑफ पार्टिकल्स के ने फंडामेंटल जो एक तरह के पार्टिकल्स होंगे ने इन्ह दियाँ, ठीक है, अलग अलग टाइप्स दित्तियां हुई ने, जिन्हां दे विचों फर्मीओन्स केड़े हुंदे आ, बोसोन्स केड़े हुंदे आ, ठीक है, कंपोजिट पार्टिकल इन्हां नूं आपां किन्हां नूं कह सकते हैं, तो फर्मीओन्स दियां प्रॉपर्टीज़ दसियां हुई ने, बोसोन दियां प्रॉपर्टीज़ दसियां हुई ने, इसी तरह हाइड्रॉन्स दियां भी प्रॉपर्टीज़ दसियां हुई ने इन्हां ने इस इमेज दे विच। तुसीं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसनूं तुसीं अच्छी तरह तुसीं इसनूं याद कर सकते हो, देख सकते हो उस दे विच की की इन्हां ने अपनी चीज़ां दित्तियां हुई ने, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स दे रिलेटेड। तो आप इतने बोल सकते हैं जिस तरह के जो फर्मीओन्स दे विच लैप्टॉन ने, ठीक है, लैप्टॉन दे विच, ठीक है, इलैक्ट्रॉन ते म्यूओन्स दोनों दिते हुए ने, मतलब ये दोनों की ने एलीमेंटरी पार्टिकल ने लैप्टॉन दे, जो फर्मीओन्स ग्रुप दे विच, ठीक है, पाए जाते हैं लैप्टॉन्स दे कॉक्स, ठीक है। तो जो लैप्टॉन्स दे विच आपां बोल सकते हैं इलैक्ट्रॉन भी आउंदा, इलैक्ट्रॉन न्यूट्रोनो भी आउंदे आ, ठीक है, इसे तरह इस दे विच म्यूओन्स भी आउंदे आ, म्यूओन्स न्यूट्रोनो भी आउंदे आ, ते टाओ भी आउंदा, ते इस तो बाद जो आप गल करिए इस दे विच म्यून न्यूट्रिनो भी आता, ठीक है। ये सारे की ने एलीमेंटरी पार्टिकल ने, इतने आप बोल सकते हैं म्यून एंड इलैक्ट्रॉन बोथ आर एलीमेंटरी पार्टिकल, ता करके दोने की करते हैं रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के नाल, इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के नाल रिजेंबल करते हैं, क्योंकि दोनों की ने फर्मीओन ने, सारे फर्मीओन दी प्रॉपर्टी की होंदियां ने रिजेंबल करनी है, जिस तरह के थले दिता हुआ फर्मीओन दी प्रॉपर्टीज़ कि होंदियां ने, इन्हां दी स्पिन 1/2 होंदी है, ठीक है, ये इंट्रैक्ट करते हैं ई एम वेवस के वीक फोर्सिस के नाल, ठीक है, सिर्फ तो इन इन्हों रेस्ट मास दे नाल रिलेशन दिता हुआ, यह सारे दे लई सेम होगा, चाहे वह इलैक्ट्रॉन होवे, चाहे म्यून होवे, इलैक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होवे, जां म्यून न्यूट्रिनो होवे, जां टाओ होवे, ठीक है। तो इसी तरह होर की कह सकते आप जो कंजरवेशन ऑफ लैपटॉन नंबरस होंगे, ठीक है, इन्हों की कंजरवेशन होंगी लैपटॉन नंबरस की, इसी तरह ही सारी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दित्तियां हुई ने, बोसोन, बोसोन के कौन कौन आ जाएगा, जिमें कि फोटोन आ जाएगा, ठीक है, जैड जो वंडरवाल फोर्सिस होंगे ने, वीक फोर्सिस होंगे ने, ठीक है, तो ग्लूओन्स आ गए जो स्ट्रोंग हिग्स आ गए, ठीक है, अगे इन्हों प्रॉपर्टीज़ दित्तियां हुई ने, इन्हों की स्पिन की होंगी है इंटीजर 1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, मतलब हाफ या कोई भी फ्रैक्शन के इन्हों की स्पिन नहीं होगी, सारिया इंटीजर स्पिन होनगियां इन्हों दियां बोसोन दियां, ठीक है। तो इस तरह आप बोल सकते हैं ये फोर्स कैरियर होंगे, ईवन नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, इन्हों का यह भी इतने एक पॉइंट है जो याद करने वाला है। इसी तरह जो कंपोजिट पार्टिकल, ये सारे की ने फंडामेंटल पार्टिकल सके, इस तो बाद आ गए कंपोजिट पार्टिकल, उसनों भी तुसी याद कर सकते हो भी कंपोजिट पार्टिकल केड़े होंगे, दो तरह के होंगे, हैड्रॉन्स जिस दे विच बैरियोन्स आ गए, एक मीजोन्स आ गए, ठीक है, बैरियोन्स दे विच प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दोनों आ जाएंगे, उस तो बाद मीजोन दे विच पाई मीजोन जिसनों आपां पाई ऑन बोल दें, के मीजोन जिसनों आपां के ऑन बोल दें, इटामीजोन, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे इन्हां दियां अगे प्रॉपर्टीज़ बारे दिता हुआ, ये सारे तुसी लर्न कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज़ थोनों इसका PDF भी मिल जाऊगा टैलीग्राम चैनल के उत्ते, जिस तरह के पहला भी बहुत सारे PDF तुसी उत्थों डाउनलोड कर दियो, इस तरह तुसी ये PDF नूं भी और जो पिक्स ने सारियां उत्थों तुसी डाउनलोड कर सकते हो, थोनों उत्थे प्रोवाइड कीतियां जाणगियां टैलीग्राम चैनल के उत्ते, स्टडी इनसाइडर नेम ते ही रहेगा उसका भी नेम। तो अगे चलते अपना जो नैक्सट क्वेश्चन है, जो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड का की आ जाएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ म्यून मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ इलैक्ट्रॉन, तो म्यून और इलैक्ट्रॉन दोनों की करेंगे एक दूसरे के नाल रिजेंबल करेंगे, इस तरह तुम इस क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन जो होर आता, जिस तरह कि तुम अगर थोड़ा इस दे विच सेम जो क्वेश्चन आता कि, ठीक है, जिस तरह के प्रोटोन किस दे नाल रिजेंबल करेगा न्यूट्रॉन दे नाल, क्योंकि दोनों की ने एलीमेंटरी पार्टिकल हो गए, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी सेम होनगियां क्योंकि सारे की हो गए वो हैड्रॉन्स हो गए, ठीक है। इसी तरह म्यो मीजोन्स की गल करिए, जिमें कि पाई मीजोन ते के मीजोन मीनस
पाई ऑन ते के ऑन दोनों दी प्रॉपर्टीज की करनी है, रिजेंबल करनी है, क्योंकि दोनों की ने एलीमेंट्री पार्टिकल ने, दोनों दी प्रॉपर्टीज की हो जाएगियाँ, सेम हो जाएगी, एक दूसरे के नाल रिजेंबल कर जाएगियाँ। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस दे विचों, तुसी जो पिक्चर है जो उसका इसन अच्छे ढंग के नाल इसनों लर्न कर सकते हो तो इसनों समझ सकते हो। अगे चलते अपना फोर्थ क्वेश्चन अज का, सपोज डैट ठीक है थोनू एक एटम का न्यूकलियस दिता है एक्स, एक्स की होंगे कोई भी सिंबल होंगे एलीमेंट है ठीक है, ए की होंगे अटोमिक मास होंगे, जेड की होंगे अटोमिक नंबर होंगे, जिहड़ा कि इन्होंने की किया उसकी डिके की गई है बाय नैचुरल रेडियो एक्टिविटी इन टू स्टेजस ठीक है, टू स्टेजस के नाल ठीक है, इस एक न्यू एटम के न्यूकलियस में इन्होंने डिके किया उसको तोड़िया गया ठीक है, उस तो बाद पाया की गया मतलब बनया की है वाई कोई होर एलीमेंट बन गया जिस दे विच अटोमिक जो उसका मास कितना बन गया हुण ए माइनस फोर, तो उसका अटोमिक नंबर कितना बन गया जैड माइनस वन। थोनू पता है जिस तरह कि थोनू पता जो ए हुंदा वो अटोमिक मास हुंदा, जैड उसका अटोमिक नंबर हुंदा, जो इन्होंने एक्स अते वाई नू शो किया गया ये एलीमेंट ने पीरियोडिक टेबल दे ठीक है, टू स्टेजस दे विच इसकी डिके की गई है ठीक है, इसनू तोड़िया गया दो स्टेजस दे विच, फस्ट स्टेज दिती गई है थोनू, सैकेंड स्टेज दिती गई है, वो तुसीं दसनी है किस स्टेजस दे द्वारा इसनू तोड़िया गया कि जिस दे ठीक है रिजल्ट तो बाद मतलब एज ए रिजल्ट थोनू की मिलिया वाई ए माइनस फोर जैड माइनस वन, जिस तरह कि तुम देख सकते हो। तो सब तो पहले अपन यह पता होना चाहिए जिस तरह कि फस्ट जो स्टेज के अपन दिता इन्होंने बीटा माइनस अमीशन होया एंटी न्यूट्रोनो के नाल, बीटा पॉजिटिव अमीशन होया न्यूट्रोनो के नाल ठीक है, जो सिंपल बीटा अमीशन होया ये इन बारे पहले पता होना चाहिए, उस तो बाद अल्फा अमीशन की हुंदा ठीक है, अल्फा अमीशन विद न्यूट्रोनो की हुंदा ज गामा अमीशन की हुंदा, अगर जो अपन ये अच्छी मतलब सही ढंग के नाल अपन पता होंगे तो ही आप दस पावे कि जो इस दे पहले स्टेज के की होएगा तो दूसरी स्टेज के की होएगा, तो इस दी उस तो बाद जस्ट इन की फॉर्मेशन है आप अपने अकॉर्डिंग आप देखनी है भी कि इसकी फॉर्मेशन बनेगी। तो सब तो पहले जो आप देखिए अल्फा अमीशन की होंगे, सब तो पहले अल्फा अमीशन देखा जाएगा, फिर बीटा अमीशन, फिर गामा अमीशन ठीक है। अल्फा अमीशन सिंपल है जिस तरह कि तुम रदरफोर्ड का एक्सपैरीमेंट किया अपने जो पी एस टैट के लिए जो वीडियो की उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक रदरफोर्ड का ठीक है एक्सपैरीमेंट आया जिस दे विच उसने की किया अल्फा पार्टिकल की बंबार्डिंग की थी, जिसनों आपने की आख्या सी हीलियम एटम सीगा ठीक है, टू पॉजिटिव चार्ज सीगा ते फोर यूनिट उसका मास सी ठीक है। तो इस तरह इतने भी सेम है अल्फा अमीशन हो रहा, तो उस कोई भी जो न्यूकलियस दिता होगा थोनू एटम का उस दे विचों की बाहर आ जाएगा हीलियम, हीलियम का पार्टिकल रहेगा जो वो बाहर आ जाएगा ठीक है। इसी तरह उस दे विचों जो फोर यूनिट मास लेके बाहर आ जाएगा वो, तो टू अपना जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर आ जाएगा ठीक है। तो इसी तरह जो जो तुसी इत्थे इक्वेशन जो ठीक है देख सकते हो जो एलीमेंट है एक्स ए जैड ठीक है, जो इस दे विचों अल्फा अमीशन की गई मतलब जो अल्फा पार्टिकल अमिट हो गया अल्फा पार्टिकल इस दे विचों बाहर कढ़िया गया तो कि हीलियम पार्टिकल तो बाहर आ गया, जिस तरह हीलियम दे उपर फोर है उसका फोर यूनिट मास है तो नीचे जो टू लिखा हुआ है वह की है उसका चार्ज है टू पॉजिटिव चार्ज, तो जो एक्स की जगह जो आप वाई भी लिख सकते इतने एक्स भी लिख सकते हैं, जो ये न्यू पार्टिकल जो न्यू न्यूकलियस बन गया ए की हो जाएगा ए दे उत्ते माइनस फोर आ जाएगा ठीक है, ए माइनस फोर आ जाएगा तो जैड माइनस टू हो जाएगा। इस तरह तुसी देख सकते हो जो अल्फा अमीशन होंदा है तो उस दे विचों जो फोर यूनिट तो उसका मास घट जाता है तो उसका दो यूनिट उसका चार्ज घट जाता है ठीक है। इस तरह तुसी इसनू नोट कर सकते हो। इस तरह जो बीटा अमीशन होंदा दो तरह का होंदा, एक बीटा नैगेटिव होंदा एक बीटा पॉजिटिव होंदा ठीक है। बीटा नैगेटिव दे विच की होएगा उस दे विचों बीटा नैगेटिव अमीशन हो जाएगी, उसकी बीटा नैगेटिव पार्टिकल होएगा एक जिसके उत्ते जीरो ता की होएगा मास होएगा उसका, उस जो बीटा पार्टिकल का मास होंदा जीरो होंदा बट जो उसका चार्ज होगा वो माइनस वन होएगा ठीक है। इस तरह तुसी नोट कर सकते हो। तो उस तो बाद जो भी बीटा माइनस अमीशन होंदा बीटा नैगेटिव अमीशन होएगा इस दे नाल आलवेज़ की होएगा ठीक है वी नैगेटिव, जिसनों आप एंटी न्यूट्रीनो बोलते हैं वी नैगेटिव ज इसनों न्यू नैगेटिव भी बोल सकते हो, ये बाहर निकलेगा इस दे नाल। तो इतने आप बोल सकते हैं जो थोड़े को ठीक है ई जीरो माइनस वन जो बाहर निकलता बीटा नैगेटिव अमीशन इसके उत्ते तो जीरो मास है तो करके ए की जगह ए ही रहेगा, बट जो माइनस वन चार्ज लैके बाहर निकलूगा वो तो जो थोड़े को चार्ज होएगा पहला वाला जैड उत्थे की हो जाएगा नैगेटिव चार्ज की कमी के करके की आ जाएगा उत्थे पॉजिटिव चार्ज आएगा आ जाएगा, क्योंकि उतो एक नैगेटिव चार्ज बाहर निकल गया जिसके करके उत्थे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो करके जैड प्लस वन
ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸਦਾ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸ ਏ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਬੀਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈ 0+1 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟਰੀਨੋ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰੀਨੋ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏ ਰਹੇਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਉਸਦਾ ਚਾਰਜ ਐਟੋਮਿਕ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੈੱਡ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜੋ ਗਾਮਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾਮਾ ਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਐਕਸ ਏ ਜੈੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਟੂ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਮਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬੀਟਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਮਾਈਨਸ 4 ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਏ ਮਾਈਨਸ 4 ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮਾਈਨਸ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲਫਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅਲਫਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਲਫਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏ ਮਾਈਨਸ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀਲੀਅਮ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੀਲੀਅਮ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, 4 ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਏ ਮਾਈਨਸ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਬੀਟਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਟਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈ 0-1 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਬਟ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ +1 ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, Z+1 ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ 4-2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ 4 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ Z+1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ -2 ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ Z-1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A-4। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਅਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਲਫਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੀਟੇ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟਰੀਨੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 6th, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਆਰ ਗਿਵਨ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਐਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਏ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਂਸਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਦੱਸਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਾਈਨਸ
ਏ ਅਪੋਨ ਐਨ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਇਸਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਐਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਸਟਿਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਸਟ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਿਕੇਟਰ ਦੇ ਲਈ ਥਰੈਟੀਕਲ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ, ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਥਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 6th ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ। 7th ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ। 7th ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਔਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੇ ਪਾਈ ਔਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੇ ਔਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇ ਔਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਰੈਸਟ ਮਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇ ਔਨ ਦਾ, ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇ ਔਨ ਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ 494। ਠੀਕ ਹੈ, ਐੱਮ ਈ ਵੀ ਅਪੋਨ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਇਸਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 938। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਇਹ ਕੇ ਔਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ, ਜੇ ਕੇ ਔਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਔਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੇ ਔਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕੇ ਔਨ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਕੇ ਔਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ ਮਾਸ ਆਫ ਰੈਸਟ ਐਨਰਜੀ, ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਨੀਅਰਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦਾ, ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਕੇ ਔਨ ਦੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੇ ਔਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇ ਔਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਅਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕੇ ਔਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 494, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰੈਸਟ ਮਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈ ਕੇ ਟੋਟਲ, ਮਤਲਬ ਈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਕੇ ਔਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ, ਇਫ ਕੇ ਔਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਈ ਪੀ ਦੇ। ਈ ਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ, ਪਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਮਾ ਐੱਮ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਆਫ ਕੇ ਔਨ ਇੰਟੂ ਸੀ ਸਕੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਸੀ ਸਕੇਅਰ, ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐੱਮ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਮਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਗਾਮਾ ਇੰਟੂ ਐੱਮ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐੱਮ ਸੀ ਸਕੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐੱਮ ਸੀ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟਿਕ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਮਾ ਇੰਟੂ ਐੱਮ ਕੇ ਸੀ ਸਕੇਅਰ। ਐੱਮ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐੱਮ ਪੀ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐੱਮ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਪੀ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਾਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐੱਮ ਪੀ ਅਪੋਨ ਐੱਮ ਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1.9 ਕੁਛ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਾ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ
ठीक है, द स्पीड ऑफ केओन इज़ मोस्ट नीयरली, आपां ने एग्जैक्ट नहीं दसनी, आपां ने बिल्कुल नीयरली दस सकते हैं, मतलब आपां अगे पिछे उसनू कर सकते हैं थोड़ा पॉइंटा नू, तां इसनू आपां अप्रोक्सीमेटली 2 लै लांगे। ठीक है, उस तो बाद जो गामा हुंदा है ये किहदे कोल हुंदा है, अंडरूट वन अपॉन अंडरूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर, ये तो तुहानू फार्मूला पता ही होना। ठीक है, जो रेस्ट मास दा भी फार्मूला हुंदा, जदों बी ते सी बी मतलब घट हुंदी है सी दे नालों, तां आपां की लै सकते हैं वी गामा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। इतने तुम ने कुछ नहीं करना, गामा की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसमें तुम इतों वी कट लेना, वी जो जो तुम इसमें सॉल्व करोगे कि आ जाएगा 0.85 इंटू सी आ जाएगा इसका आंसर, जिस तरह कि तुम इस देख सकते हो डी ऑप्शन इतने की आ जाएगा, राइट आ जाएगा 7th क्वेश्चन का 0.85। ठीक है, इंटू सी, सी की है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इस तरह तुसी इस क्वेश्चन कर सकते हो। यही से अज के अपने क्वेश्चन, अपने कुछ क्वेश्चन करे ने, 6 से 7 क्वेश्चन करे ने मास्टर केडर के लास्ट ईयर एग्जाम के। ठीक है, जो तुसी देख सकते हो कुछ ज़्यादा सिंपल भी नहीं है क्वेश्चन, ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, आपू फार्मूले पता होने चाहिए ने, कंसैप्ट पता होना चाहिए है, तो अपनी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए है, तो आप ईजली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। जे थोनों ये वीडियो अच्छी लगी हो इस जरूर लाइक करो, तो कमेंट करके भी जरूर दस्यो थोनों किदा की लगी। अगे भी आप अगे सारे ही जो एग्जाम है, ये जो लास्ट ईयर एग्जाम है मास्टर केडर का, तो होर भी जिन्हें भी एग्जाम ने मास्टर केडर के सारियां ही सॉल्व करांगे इस फिजिक्स और मैथ के, थोनों इस चैनल की वीडियोज़ मिलनगियां। इस दे नाल नाल आपां पीएस टेट नूं भी नाल आपां नहीं करना है, उसके भी क्वेश्चन जां चैप्टर डिस्कस करांगे। तुसी इस चैनल में भी जरूर सबसक्राइब करो, इस चैनल में भी तुसी बैल आइकन दा जो इसका बैल आइकन है उसनों भी क्लिक करो, ताकि तुहानू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आपां मिलते अपनी नैक्सट वीडियो के।